हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, मैंने एक क्वेश्चन पिक किया था जो कि डीके गोयल की बुक पेज नंबर 2.15 पर है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इस क्वेश्चन को हमें लगाना था सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लक्चुएटिंग मेथड के मेथड से। मैंने यहां पर इरेज कर दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी फ्लक्चुएटिंग मेथड से लगा चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मेंशन कर दूंगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि हम जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने कहा था कि हम एक ही क्वेश्चन पिक करेंगे और उसी क्वेश्चन को हम फ्लक्चुएटिंग से भी बताएंगे और सेम क्वेश्चन को ही हम फिक्स्ड मेथड से भी बताएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। देखिए, जैसा कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वो फ्लक्चुएटिंग मेथड पे हमारा लगा हुआ है। आज जो हम बताने वाले हैं वो इसी सेम क्वेश्चन को फिक्स्ड मेथड से बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में ही। अब यहां से हम लोग बनाएंगे डायरेक्टली अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। द फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंट आएगा वो होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, कि आपको यही देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में डाटा दिया है कैपिटल बनाने के लिए, वो जो कैपिटल का डाटा है वो फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि ये पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने पहचानने में गलती कर दिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स बना लेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 2 पार्टनर्स ही हैं, शिव एंड हरी, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। सो यही क्वेश्चन हमारा सेम अब यहां पर है। मैं पार्टनर्स को मेंशन कर लेता हूं, शिव हरी, शिव और हरी। ये हमारा लाइन जो है ये पर्टिकुलर्स का लाइन है, पर्टिकुलर्स लेजर का है फॉर्मेट, डेबिट कॉर्नर पे इधर और क्रेडिट पे इधर। सो अब सबसे पहले हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिर करंट अकाउंट बनाते हैं। पूरा फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। अब यहां पर सबसे पहले आएगा हमारा बाई बैलेंस बीडी। इसमें क्या दिखाते हैं, पार्टनर ने कितनी कैपिटल फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया। तो शिव ने इंट्रोड्यूस किया है 5 लाख, हरी ने इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख का। अब यहां पर शिव की कैपिटल यहां मेंशन कर देंगे 5 लाख और हरी की 2 लाख की, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से अगर किसी पार्टनर ने अलग से इंट्रोड्यूस किया है किसी डेट पर, तो वो मेंशन करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि डेट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप चाहे तो इसमें मेंशन कर सकते थे पतले से कॉलम में कि ये हमारा 1 अप्रैल की डेट पे है, और जो सेकेंड अब हम नोट करने जा रहे हैं बाई बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट अगर कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हरी ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीस, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और हरी के कॉलम में हम 1 लाख की ये एडिशनल कैपिटल शो कर देंगे, शिव ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर करेंगे, क्योंकि किसी पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया है। विड्रॉ करता तो यहां माइनस करते हैं, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो ड्रॉइंग होता है उसको अपने यहां विड्रॉ में नहीं नोट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करते हैं तब हमारा यहां पर ये मेंशन होता है पार्टनर्स कैपिटल के विड्रॉवल के लिए। सो यहां पर हम टोटल कर लेंगे। अब सबसे पहले तो टोटल करने में यहां पर दोनों लाइन, दोनों साइड हमारे इक्वल होने चाहिए। तो अब यहां पर जो अमाउंट आएगा टोटल का, वो यही आएगा जो यहां पर टोटल में आया है। फॉर एग्जाम्पल, इधर के लिए आ जाएगा 5 लाख और इधर के लिए आ जाएगा 3 लाख का, हमारा ये कैपिटल है 5 लाख इधर भी सेम, और आफ्टर दैट 3 लाख का इधर भी, और ये मेंशन होगा किस तरह से, हमारा बैलेंस सीडी के नाम से। तो इधर मेंशन कर देंगे 2 बैलेंस सीडी, और यहां पर हमारा बैलेंस आ जाएगा 5 लाख इसके लिए और 3 लाख इसके लिए। हमारा कंप्लीट हो गया ये फुल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये बन गया। अब इसके बाद से चूंकि हमारा ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का केस है, तो अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट,
और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का फॉर्मेट तो सेम होगा लेकिन पोस्टिंग का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट की जैसे ही हमने पोस्टिंग किया, ठीक है, तो फॉर्मेट तो हम तुरंत यहां बना लेंगे, फॉर्मेट जो है हमारा सेम वही है, कोई चेंजिंग नहीं है फॉर्मेट में, और ये वही कैपिटल का फॉर्मेट रहेगा जो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ध्यान से देखते चलिए आप लोग, पूरा प्रोसेस सीरीज में हम आपको बताते चलेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो डेबिट ये कॉर्नर पे इधर और क्रेडिट इधर, ये हो गया शिव हरी और ये हो गया पर्टिकुलर्स। अब मैंने कहा था कि करंट अकाउंट का बैलेंस, जैसे कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर कुछ नहीं है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस वेदर क्रेडिट और हमारा डेबिट दोनों हो सकता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट कहीं भी बैलेंस आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में तो बैलेंस नहीं दिया है हमारे पास करंट अकाउंट का, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अगर करंट अकाउंट का बैलेंस होगा तो क्वेश्चन में जिस तरह से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मेंशन है सेम एज इट इज मेंशन हो जाएगा एंड देयर करंट अकाउंट बैलेंस इज, तो शिव के लिए दे देगा फॉर एग्जाम्पल 50,000 डेबिट और इसके लिए दे दिया किसी के लिए शिव के लिए, हरी के लिए दे दिया 10,000, तो उसके साथ क्या होगा ब्रैकेट में मेंशन कर देगा कि किसका डेबिट में बैलेंस है किसका क्रेडिट में बैलेंस है। तो जिस पार्टनर के अमाउंट के साथ डेबिट वर्ड यूज हुआ तो उसके साइड में आके लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और जिसके साथ क्रेडिट वर्ड यूज कर दिया उसके साइड में आके लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। बस इतना ही काम करंट अकाउंट में करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें हमारी जिस तरह हमने बताया था क्रॉस पोस्टिंग वही करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर डेबिट साइड में हमें जितनी चीजें दिख रही हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने जिस तरह से पोस्ट किया था सेम एज इट इज यहां करंट में पोस्ट कर देंगे। सैलरी टू पार्टनर है तो यहां पर आ जाएंगे, सबसे पहले इधर लिख दिया हमने बाय सैलरी, और शिव की सैलरी है 20,000 एंड हरि की भी सैलरी है 20,000 की, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहां पर हमने फिर मेंशन किया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव में है 40,000 और हरी में है 22,000, ये मेंशन हो गया। और लास्ट है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है तो 57,060 और ये है 38,040, ये हो गया बैलेंस। और यहां क्रेडिट साइड से क्या है तो पीएल अकाउंट ये तो दिखाते नहीं है, पहले ही बता चुका हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग आया है तो यहां मेंशन कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और शिव में हो जाएगा 600, हरी में हो जाएगा 500। और अब इसके बाद से जो लास्ट हमारा डाटा आएगा एक और जो इसमें नहीं आता है विच इज ड्रॉइंग, तो यहां मेंशन कर देंगे टू ड्रॉइंग कितना हो जाएगा ड्रॉइंग, तो यहां पर इनकी ड्रॉइंग दिया हुआ था शिव की देखिए 12,000 और हरी की 10,000, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 12,000 एंड 10,000 का ये ड्रॉइंग बैलेंस, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन यहां पे भी कंप्लीट और बस हम टोटल करके बैलेंसिंग निकाल लेंगे, तो वो अब आपके हमको बहुत अच्छे से आ चुका है बैलेंसिंग करना। तो सो अब टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 000000060 तो ये हो गया 060 और फिर 00 ये हो गया 7, फिर हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, ठीक है। तो यहां पे आ गया 1,17,060 और हरी के लिए करेंगे तो सेम 040 और ये हो जाएगा 2,810 वन कैरी 2,24 4 और 1,5 5 और 3,8 80,040 सेम यही बैलेंस हम इधर दिखा देंगे 1,17,060 और 80,040 और अब क्या करेंगे हम इधर बैलेंसिंग फिगर तो टू बैलेंस सीडी और क्या करेंगे हम 1,17,060 में से 12,600 माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम रफ पे आपको इधर ही दिखा देते हैं इस साइड में 1,17,060 में से 12,600 माइनस किए 0, 6 और 10 में से 6 किया हमारा 4, अब यहां 6 हो गया 6 माइनस 2 4, ये हो गया 0 ये हो गया 1, यानी हमारा इसके लिए बैलेंस आया 1,04,460, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम अपने क्रेडिट साइड के लिए सिर्फ कंपेयर करके कर लेंगे मींस 80,040 सो 80,040 माइनस करेंगे 10,500 तो ये हो गया 0 ये हो गया 4 10 5 माइनस 5 फिर यहां 9 हो गया यहां 7 माइनस 1 6 हो गया मींस द आंसर इज 69,540, ये फाइनल आंसर आ गया। और अब इसके बाद से हम अपने क्वेश्चन को पूरा पैक कर देंगे।
ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा प्रोसेस था फिक्स्ड कैपिटल का लगाने का, कोई चेंजिंग नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में बस क्या था, हमने डायरेक्टली कैपिटल अकाउंटिंग बनाया था, इन दोनों को प्लस कर दिया था, ठीक है। ये पूरी चीजें एक फॉर्मेट में आ गई थी, तो हमारा फ्लक्चुएटिंग था। फिक्स्ड में बस क्या होता है, कैपिटल की बस पोर्शन को अलग कर दिया था, कोई इंट्रोड्यूस्ड है, कोई विड्रॉवल है, तो और बाकी सब डाटा को अलग कर दिया जाता है। और कैपिटल का करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस है तो उसके साथ लिखा रहेगा डेबिट है कि क्रेडिट है, तो आपको बस उस साइड में जाके बैलेंस बीडी के नाम से पोस्ट कर देना, और कोई चेंजिंग नहीं है। उससे भी रिलेटेड हम अभी एक टॉपिक अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम पहले एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन पिक करेंगे और वहां से हम लोग पूरे प्रोसेस का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक। तो ये हमारा आज का वीडियो था, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हमारा जो जर्नल एंट्री का पोर्शन रह जाता है, तो जर्नल एंट्री इसकी किस तरह से सॉल्व करनी होती है, इसकी ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आपको अपने पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में मैंने आपको सिखा दिया था कि कैसे हम क्रॉस में पोस्टिंग करते हैं, लेकिन हम आपको एक बार इसका डेमो दिखा देते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से हमारा ये जर्नल एंट्री पोस्ट होगा, तो आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सभी चीजों के लिए पास होगा, तो अगर मैंने कहा चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करिए सैलरी टू पार्टनर के लिए, तो क्या हो जाएगा सैलरी टू पार्टनर में, यहां पर देखिए सैलरी टू पार्टनर क्या है, डेबिट, तो जर्नल में क्या हुआ क्रेडिट, तो डेबिट क्या हुआ पीएल अप्रोप्रिएशन, बताया था ना कि जो चीजें डेबिट में हैं वो सब जर्नल में क्रेडिट होंगी, तो डेबिट क्या होगा पीएल अप्रोप्रिएशन, तो मेंशन कर दिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, किसको किसको मिला शिव एंड हरि को, तो मेंशन हो गया कि शिव्स कैपिटल अकाउंट और टू हरीज कैपिटल अकाउंट, शिव की कैपिटल सैलरी है 20,000 और हरि की है 20,000, टोटल है 40,000, ठीक। इसी की एंट्री एक बार और पास होगी पार्टनर्स कैपिटल में भी, देखिए सैलरी आया था यहां भी पास होगा, तो यहां पे क्या है सैलरी क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में तो जर्नल में डेबिट साइड में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे सैलरी अकाउंट जो हमारा पार्टनर्स का है वो डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये करंट अकाउंट है, एस करंट अकाउंट और एक्स करंट अकाउंट, ये हम मेंशन कर देंगे। फिर एक और हम जनरल एंट्री बता देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पीएल अप्रोप्रिएशन वाली एंट्री करते हैं तो क्या होती है एंट्री हमारी, ध्यान से देखिए एक और जनरल एंट्री हम बता देते हैं आपको, एंट्री बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट ये पीएल प्रॉफिट ट्रांसफर इंटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शिव में 57 है और हरि में 38,040। अब क्या करेंगे दोनों डेबिट साइड क्रेडिट, डेबिट में तो जनरल में क्रेडिट आ गए, तो ये आ गया पहला एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा शिव्स कैपिटल अकाउंट और टू हरीज कैपिटल अकाउंट, शिव में आया है 57,060 और इसमें आया 38,040 और टोटल आया था 95,100, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्रॉस में जर्नल एंट्री पोस्ट करना आपको ट्रिक ऑलरेडी सिखा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसकी भी मेंशन कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारा ये जो पूरा टॉपिक है हम न्यूमेरिकल रेगुलर अपडेट करते रहेंगे आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे अपने प्रॉब्लम को, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन की पिक क्लिक करके, हम उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो अपडेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।